को मत गणना। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। जमशेदपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय समेत कई मांगों पर विचार का किया आग्रह। और राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक, गिरिडीह में लू जैसे हालात, कल से कुछ स्थानों पर बारिश के भी आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। नमस्कार। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत सुखदाई है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, यानी ईश्वर की कृपा के बिना संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। इधर झारखंड समेत देशभर में पूरे करने पहुंचे। आज के दिन लोग हनुमान जी की विशेष पूजा के साथ हनुमान जी की जयंती मनाई जा रही है। करने पहुंचे आज के दिन लोग हनुमान जी की विशेष पूजा और अर्चना करते हैं, विशेष अनुष्ठान करते हैं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर लोगों ने शहर के प्राचीन बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक राजनेताओं ने समस्त देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, शक्ति, साहस और संयम के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती पर सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। ने कहा कि शक्ति, साहस और संयम के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती पर सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। पवन पुत्र की कृपा से हर किसी का जीवन बल, बुद्धि और विद्या से सदा परिपूर्ण रहे। उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे के क्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन किए। विश्वनाथ के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना भी की। उपराष्ट्रपति ने काशी के कोतवाल काल भैरव के भी दर्शन किए।
इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शुक्रवार को विशेष ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री राम लला के दर्शन पूजन किए। इसके बाद उन्होंने मां सरयू को प्रणाम किया और उनकी पूजा अर्चना की। अयोध्या में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए उपराष्ट्रपति हनुमानगढ़ी भी गए। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी चंपत राय, अनिल मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति वाराणसी में गंगा आरती में भी सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भागीदारी को अहम बताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयासरत रही है। इन योजनाओं से जहां उनकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित हुई, वहीं महामारी के दौरान भी मदद के लिए कई कदम उठाए गए। पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव के सिलसिले में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रत्याशी 23 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 25 और 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 27 और 28 अप्रैल को उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 29 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 14 मई को होगा, जबकि मतगणना 17 मई को कराई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में चार चरणों 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतदान होगा, जिसके माध्यम से गांव की सरकार का गठन हो सकेगा। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 975 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 796 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। भर में पिछले 24 घंटों में 975 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 796 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.26% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.32% दर्ज की गई है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 83,14,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देशभर में अब तक 1,86,00,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत देशभर में अब तक 186,38,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,89,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड प्रोत्साहन राशि मामला गरमाने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नैतिकता के आधार पर वे कोविड प्रोत्साहन राशि नहीं लेंगे। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्री कोषांग के कर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। और सार्वजनिक जीवन व्यतीत करना मेरा कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में विभाग के मंतव्य के उपरांत मंत्री कोषांग में सम्मिलित कर्मियों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत भी मैंने नैतिकता के आधार पर यह निर्णय लिया है कि प्रोत्साहन राशि से संबंधित स्वीकृति आदेश रद्द करते हुए उक्त प्रोत्साहन राशि को स्वास्थ्य विभाग के अधीन अन्य जरूरतमंद कर्मियों को वितरित कर दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आज 1,00,000 केंद्रों पर टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि टेली परामर्श के माध्यम से अब आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य कल्याण नेटवर्क को भी मजबूत बना रही है। जब हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करते हैं, तब हमारा प्रयास सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि बीमारी को होने से रोकने का भी हमारा संकल्प है। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी ये नई व्यवस्था खड़ी की जा रही है, उसके माध्यम से
तमाम तरह की जांच भी मुफ्त में करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इलाज से ज्यादा अहमियत पर जोर देने वाली इसी सोच को ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स गांव गांव पहुंचाने वाला है। साथियों, आयुष्मान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन भागीदारी का एक आह्वान भी है, ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सके। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जमशेदपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, राज्य में युवा आयोग का अविलंब गठन तथा जनजातीय समाज के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु विशेष स्कॉलरशिप के प्रावधान समेत कई मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। चाईबासा के दो दिवसीय दौरे के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ सांगठनिक रणनीति पर विचार विमर्श किया तथा उन्हें कई टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था समेत अनेक समसामयिक विषयों पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी तीखा हमला बोला। अगर दो वर्षों में आप देखें, ना कहीं सड़क का कोई काम हुआ, ना कहीं कुछ काम हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ, कमाने में जरूर लगे, वो जितने भी खनिज संपदा है, चाहे बालू हो, कोयला हो, पत्थर हो, लोहा हो, सब लुटा रहे। यहाँ तक कि इस सारंडा के जंगल में भी यहाँ किस प्रकार से लूट है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, हमसे तो अधिक आप लोग जानते हैं। आए दिन सोशल मीडिया राज्य के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिरिडीह में लू जैसे हालात बने रहे। रांची समेत कई शहरों का तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आज मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, लेकिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 17 से 21 अप्रैल तक कहीं कहीं बारिश के भी आसार हैं। जेईई मेंस के दोनों सत्रों की ऑल इंडिया रैंक 7 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। इसमें शामिल 2.5 लाख छात्र जेईई एडवांस के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसकी प्रक्रिया 7 से 11 अगस्त तक चलेगी। एडमिट कार्ड 23 अगस्त की सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे और परीक्षा 28 अगस्त को दो पालियों में होगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के लशीपुर दोकर जंगल में पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच आधे घंटे तक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। धनबाद जिले के उपायुक्त ने बताया है कि राज्य सरकार के निर्णय और जिले में गर्मी की स्थिति के आलोक में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 के लिए प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और नर्सरी तथा सभी पूर्व प्राथमिक वर्गों के लिए 11 बजे पूर्वाह्न तक का कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है। पूर्व सांसद स्वर्गीय बागुन सुमरई की पत्नी अनीता ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि इससे कोल्हान में संगठन को मजबूती मिलेगी। हजारीबाग जिले के उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तैयारियों के मद्देनजर बाजार समिति का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। कोडरमा जिले में आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कोडरमा प्रखंड के जरगा पंचायत का दौरा कर वहां हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने कई दिशा निर्देश दिए। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड का अब एक भी सक्रिय मामला शेष नहीं है। जिले के उपायुक्त ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 215 सैंपल टेस्ट हुए, जिसमें एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ एम तमिलवाणन ने एनआईटी कॉलेज आदित्यपुर में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान अनेक लोग उपस्थित थे। पाकुड़ जिले में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में स्थानीय सूचना भवन सभागार में जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी के सहयोगी कर्मियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन पाठक ने देवघर चरकी पहाड़ी स्थित बाल सुधार गृह सह संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मौके पर उपस्थित उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बाल सुधार गृह सह संप्रेक्षण गृह से जुड़ी विभिन्न जानकारी से उन्हें अवगत कराया।
गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड के बनियाडी पंचायत के गड़ी परवा गांव में खाना बनाने के क्रम में एक घर में आग लग गई, जिसकी चपेट से 15 घरों को नुकसान पहुंचा और कई चीज जलकर बर्बाद हो गए। बाद में ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत कर स्वयं आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है तथा प्रभावितों को राहत पहुंचाई जा रही है। लोहरदगा जिले में पुलिस प्रशासन की सक्रियता और आम लोगों की समझदारी से स्थिति लगातार सामान्य हो रही है। सौहार्द कायम रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी है और शांति समिति की बैठकों में लोग एकता और भाईचारे पर जोर दे रहे हैं। रांची में आज से 9वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में अनेक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और ओलंपियन शिरकत कर रहे हैं। कल भी अलग अलग कैटेगरी की रेस वॉकिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। केन विलियमसन की अगुवाई वाली हैदराबाद की टीम की यह सीजन की लगातार तीसरी जीत है। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 175 रन बनाए थे। कोलकाता द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत खराब रही, लेकिन राहुल त्रिपाठी और एडन मार्करम ने अर्धशतक बनाया और उसकी बदौलत हैदराबाद की टीम ने 17.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 176 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग के अपने दूसरे मैच में जर्मनी को 3-1 से पराजित कर दिया। प्रो लीग के दूसरे मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से करारी शिकस्त दी। भारत की तरफ से सुखजीत सिंह, वरुण कुमार और अभिषेक ने 1-1 गोल दागे, जबकि जर्मनी के लिए एकमात्र गोल एंटोन बोकेल ने किया। इस जीत के साथ ही भारत 12 मैचों में 27 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि जर्मनी 10 मैचों में 17 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम समाज सुधारक और राष्ट्रवादी कंडुकुरी वीरेसलिंगम को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में हुआ था। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आरंभिक समाज सुधारकों में शामिल थे जिन्होंने महिला शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। वीरेसलिंगम 3 भाषाओं तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने राजशेखर चरित्रमु लिखा जो तेलुगु भाषा में प्रथम उपन्यास माना जाता है। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए व्यापक रूप से साहित्य रचना की। उनका लेखन
मुख्य रूप से तत्कालीन अनैतिकता, अंधविश्वास, दोहरे मानदंडों और समाज की विसंगतियों पर करारा व्यंग्य है। वीरेश लिंगम ने आरंभिक काल के दौरान महिलाओं को दिए गए महत्व को चित्रित करने के लिए प्राचीन शास्त्रों का उपयोग किया। उन्होंने घोषित किया कि भारत केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाओं की प्रगति होगी। उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। वीरेश लिंगम ने 11 दिसंबर 1881 को आंध्र प्रदेश का पहला विधवा पुनर्विवाह कराया। समाज के अत्यधिक विरोध के बावजूद वीरेश लिंगम ने अपने जीवन में लगभग 40 विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता की। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाएं और जर्नल्स प्रकाशित किए जिनमें वो महिलाओं के हितों और शिक्षा पर बल देते थे। उन्होंने 1887 में राजा मुंद्री में ब्रह्म मंदिर की शुरुआत की। वीरेश लिंगम उन लोगों में शामिल थे जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। 27 मई 1919 को उनका निधन हो गया। अंत समय तक वे समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। महान भारतीय को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी पेंटर नंदलाल बोस को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 16 अप्रैल 1966 को हुआ था। बोस को आधुनिक भारतीय कला की अग्रणी हस्तियों में शुमार किया जाता है। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान बोस ने गांधी के सफेद लिनोकट प्रिंट पर काली आकृति बनाई। वो प्रिंट अहिंसक आंदोलन के लिए जानी पहचानी छवि बन गया। उन्होंने भारत के संविधान में चित्रण का कार्य भी किया जिसमें उन्होंने सदियों से पनपी भारतीय सभ्यता को चित्रात्मक रूप दिया। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उनके शास्त्रीय कार्य में भारतीय पौराणिक ग्रंथों, महिलाओं और ग्रामीण जीवन के दृश्यों की पेंटिंग शामिल है। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बोस ने भारत रत्न और पद्मश्री सहित भारत सरकार के पुरस्कारों के लिए प्रतीकों के स्केच बनाए। अपने शिष्य राम मनोहर के साथ नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि की सजावट का ऐतिहासिक काम भी किया। अंतिम समय तक नंदलाल बोस ने अपनी कला के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाना जारी रखा। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज हम शहीद रामासुर सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वे आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाही थे। बाद में उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कंपनी की सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंडमान द्वीप समूह में 16 अप्रैल 1858 को हिरासत में उनका निधन हो गया। भारत माँ के महान सपूत को नमन। गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ही फलाफल है कि गढ़वा में जिन गरीबों ने कभी सपने में भी पक्के और सुंदर मकान में रहने की कल्पना तक नहीं की थी, उनके सपने भी अब साकार हो गए हैं। हम पक्का मकान बनने लगे, पहले खपड़ा रहे, ओका ढा ढू के भुइया चितत रही, लहर धूप से बचली, सरकार जन बनौले। गढ़वा प्रखंड के महुलिया पंचायत और जाटा पंचायत के अनेक गरीबों को आवास योजना का लाभ मिला है, जिसके लिए उनकी जुबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता तथा उनके गरीब हितैषी पहलू की तारीफ ही तारीफ है। खपड़ा में रहत रही, अति माटी के घर में खपड़ा छाके सरकार देलन का आवास बनावेला पैसा। ग्रामीण लाभार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत अब उनकी जिंदगी बदल गई है और उन्हें मौसम के उतार चढ़ाव और उसके सितम से भी निजात मिल गई है। प्रधानमंत्री आवास मिला तो उससे जो है लोगों को राहत मिल गया, जो कि पक्का के मकान बना करके रह रहे हैं, नहीं तो पहले मिट्टी का मकान में जो है
सूता था जो कि इधर से उधर आदमी का खटिया बिछाना करना पड़ता था। लाभार्थियों का साफ तौर पर कहना है कि पक्का आशियाना में अब वो सुकून से गुजारा करते हैं और चैन की नींद सोते हैं। पक्का के घर में आराम से रहा थी, पक्का के घर कॉलोनी आई रहे, मिला रहे लगा के बनाइए बात। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने गढ़वा में वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाया है और उनके दुख भरे दिन अब इतिहास बन चुके हैं। गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बच्चे के शारीरिक विकास को लेकर लगभग सभी माता पिता को चिंता रहती है। कई कारक बच्चे के पूर्ण शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। आइए जानते हैं कि बच्चे के विकास में कमी के कारण क्या हो सकते हैं। लंबाई का न बढ़ना या कद कम रह जाना एक ऐसी समस्या है जो कई बच्चों को प्रभावित करती है। माता पिता को अक्सर ये चिंता रहती है कि उनका बच्चा ठीक से नहीं बढ़ रहा। ऐसे कई कारक हैं जो बच्चे की लंबाई और उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं। अक्सर माँ बाप को ये दिक्कत रहती है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही या ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा, तो ये समस्या काफी आम है पब्लिक में। अगर आपको कभी भी लगे कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही तो जरूर पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। इसमें जो है कुछ चार्ट होते हैं हमारे इंडियन चार्ट्स, जिसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि वाकई में बच्चे की हाइट या वेट कम है। इसके अलग अलग कारण होते हैं जैसे थायराइड की समस्या या कभी कभी गेहूं से एलर्जी या फिर बच्चे का पोषण ठीक ना होना। यदि बच्चे का विकास ठीक से न हो रहा हो तो ये किसी कारणवश या फिर किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। बच्चे का कद या लंबाई न बढ़ने की स्थिति में उसकी सही जांच होना और सही समय पर इलाज मिलना आवश्यक है। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे तो पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं, अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं और अपने लेवल पे जांचें नहीं करवाएं। जो डॉक्टर जांच लिख के देंगे और जो ट्रीटमेंट करेंगे उसी का आप फॉलो करें। अगर ऐसी कोई भी समस्या निकल के आती है जैसे बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है या उसको गेहूं से एलर्जी है तो इसका इलाज भी संभव है। थायराइड की बीमारी के लिए थायराइड की गोली दी जाती है आमतौर से। अगर बच्चे को गेहूं से एलर्जी है तो उसका ब्लड के द्वारा जांच और दूरबीन के द्वारा जांच की जाती है आंतों की। अगर उसमें आ जाती है तो इसके लिए लाइफ लॉन्ग मतलब पूरी जिंदगी भर गेहूं बंद रखना पड़ता है। एक और समस्या है जो सिर्फ डॉक्टर ही जांच कर सकते हैं इसकी, जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, और इसकी भी जो जांच है और जो ट्रीटमेंट है वो अस्पताल में की जा सकती है। मैलन्यूट्रिशन की भी जो इलाज है वो डाइटिशियन और पीडियाट्रिशियन के द्वारा आपको प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाएगा कि बच्चे को क्या क्या खिलाना है। कई बच्चों में कम लंबाई का कारण पता नहीं चल पाता और उसकी जांच नहीं हो पाती। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास ठीक रूप से नहीं हो रहा या फिर उसकी लंबाई आसपास के बच्चों की तुलना में कम है तो एक विशेषज्ञ को दिखाएं और जानें कि सही विकास न होने का कारण क्या है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किया लोकार्पण। हनुमान जन्मोत्सव के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं। पहले चरण के पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। 23 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे नामजदगी के पर्चे। 14 मई को मतदान, 17 को मतगणना। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। जमशेदपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय समेत कई मांगों पर विचार का किया आग्रह। और राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक, गिरिडीह में लू जैसे हालात। कल से कुछ स्थानों पर बारिश के भी आसार।